लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी को मिली संजीवनी। चार राज्यों के चुनावी रुझान में बसपा की बम्बम। मायावती ने एमपी में बिछा ही दिया जाल। बीजेपी की प्रचंड जीत पर मायावती ने उठाए सवाल। राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। बीजेपी ने 115 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस को 68 सीटें मिली। खास बात यह है कि इस चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने भी जीत दर्ज की है। बसपा को प्रदेश की 2 सीटों पर जीत मिली है और इसमें सादुलपुर से मनोज कुमार और बाड़ी से जसवंत सिंह गुर्जर का नाम शामिल है। तो फिर पहले बात करते हैं मनोज कुमार की। मनोज कुमार ने बसपा के टिकट से चुनाव लड़ा और 64,368 वोट हासिल किए। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कृष्णा पूनिया को 2,574 वोटों से शिकस्त दी। वहीं इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की सुमित्रा पूनिया तीसरे स्थान पर रही। उन्होंने 59,429 वोट हासिल किए। वोटों का ध्रुवीकरण होने की वजह से मनोज कुमार इसमें बाजी मार ले गए। साल 2013 में मनोज कुमार ने बसपा के टिकट से ही जीत हासिल की थी। हालांकि 2018 के चुनाव में कृष्णा पूनिया ने बसपा प्रत्याशी मनोज न्यांगली को शिकस्त दी थी। तो चलिए अब बात करते हैं बाड़ी विधानसभा सीट की। इस सीट से बसपा प्रत्याशी जसवंत सिंह गुर्जर ने बड़ी जीत हासिल की है। जी हाँ, आपको बताते चले कि उन्हें 1,06,000 से ज्यादा वोट मिले हैं, जबकि जीत का अंतर 27,424 वोट रहा। गुर्जर ने बीजेपी के गिरिराज सिंह मलिंगा को शिकस्त दी और मलिंगा पहले कांग्रेस में थे और मौजूदा विधायक भी। उन्हें बीजेपी की लिस्ट जारी होने से एक दिन पहले ही टिकट दिया गया था। मलिंगा पर सरकारी इंजीनियर हर्षाधिप्ति को मारपीट घायल करने का आरोप भी लग चुका है। बताते चलें कि बाड़ी में उनका काफी विरोध भी हो चुका है। इस सीट पर कांग्रेस का प्रदर्शन जो है बेहद खराब रहा। कांग्रेस प्रत्याशी जो प्रशांत सिंह परमार थे, उनका प्रदर्शन बहुत ही बेकार रहा। बता दें कि 2008 के चुनावों में बसपा ने 6, 2013 में 3 और 6 सीट हासिल की थी। हालांकि कुछ विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और माना जाता है कि मायावती की पार्टी कई सीटों पर प्रभाव डालती है। राजस्थान के सियासी माहौल में बसपा के 185 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे, जिन्होंने कांग्रेस या बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। वही खबर यह भी सामने आ रही है कि मायावती ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के जो रिजल्ट सामने आए हैं उसको लेकर के एक अपना बयान जो है जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने चुनाव परिणामों को अचंभित करने वाला बताया है और साथ ही कहा है कि ऐसा विचित्र रिजल्ट लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि मायावती ने यह भी कहा है कि जनता की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय है। बताते चलें कि 3 राज्यों के चुनावों में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। 3 राज्यों में बीजेपी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। हालांकि बसपा भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ने का पूरा दावा कर रही थी, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आया और ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों का शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक है, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। वहीं मायावती ने आगे कहा कि पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प था, लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, यह ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान निकालना जरूरी है। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी का नया विषय। तो जिस तरह से मायावती ने एक तरफ बीजेपी की जीत को लेकर के कटाक्ष किया है, तो वहीं देखा जाए तो बीएसपी के लिए भी राजस्थान में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उन्हें एक बार फिर से मौका मिला है। अब इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।